मेरा पैगंबर अजीत है। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे थे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से, उनके मुख्तलिफ जो पहलू थे उनकी पर्सनालिटी के। फरहाना वैस साहब हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया। फरहाना साहब, अभी चूंकि हमने बात भी की कि बहसियत शोहर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे और उनकी जिंदगी हमारे लिए कैसे कमली नमूना है, क्या आप इस दिन के हवाले से मैसेज देना चाहेंगी? आज का दिन चूंकि है, हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्कस भी कर रहे हैं उनकी ज़ात पाक को, तो क्या मैसेज होगा हमारे देखने वालों के लिए और बहसियत शोहर के हवाले से भी हम जरूर आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो अपने अखलाक के जरिए लोगों की तरबियत की है, और आपने यही फरमाया कि जो ईमान का आला तरीन दर्जा है वो बेहतरीन अखलाक है। जब आपसे पूछा गया कि बेहतरीन अखलाक क्या है, तो आपने फरमाया कि जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उससे अता करो, और जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो या तुम उसे दरगुजर कर दो। तो अगर हम अखलाक के तरीके के मुताबिक, जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे लोगों के किरदार को बदल दिया, अगर हम ये अख्तियार करते हैं तो यकीनन हम अपने घर का माहौल भी अच्छा कर सकते हैं और अपने बाहर का माहौल भी अच्छा कर सकते हैं। और उसमें सबसे अहम चीज जो है, जो हजरत माज़ रज़ी अल्लाह ताला ने जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या चीज है जो सबसे अहम है, तो आपने अपनी जुबान मुबारक पकड़ के फरमाया कि अपनी जुबान को काबू में रखो। और ये आपने फरमाया कि यही सबसे बड़ी बुनियाद है, अगर तुम सबर कर लेते हो और इसको काबू में रखते हो, यानी हम जो बिला वजह किसी को ताने देते हैं, गइबत करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं और छोटी छोटी बातों में डिस्करेज करते हैं, अगर हम ये करना छोड़ दें तो न सिर्फ ये कि हमारे घर का माहौल अच्छा होगा बल्कि हम एक खूबसूरत माशरा भी कायम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि वकार मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, तो यही कि इस अहम दिन, बड़े दिन के ऊपर कुछ आप बता दीजिए। और दूसरा, जो बुनियादी इकाई है एक घर, उसके अंदर हम अगर बैलेंस या तवाजुन की बात करें, उसके लिए आप सीरत तैयबा की रोशनी में कुछ हमें बता पाएं क्या लाजमी? जो बुनियादी तीन चीज मुझे समझ आती है वो है बाहमी एहतराम, और वो बाहमी एहतराम हमें यहां तक नजर आता है कि आपकी बेटी आती थी तो आप जो चादर है उसको बिछाते थे और खड़े हो जाते थे। खड़े किसके लिए हो रहे हैं? अपनी बेटी के लिए। और यही हमारा, मतलब मेरी जो किताब अभी आने वाली, उसमें ज्यादा फोकस ये है कि बच्चों का एहतराम आपने मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी में से बच्चों के लिए जो एहतराम का लफ्ज है टोटल निकाल दिया है और उसके लिए प्यार प्यार करके रख दिया है। वो एहतराम बहुत जरूरी है, ये हमें वहां से, इस एहतराम से मुराद स्पेस भी है जो आजकल, एक्चुअली वो बच्चों को स्पेस भी और उनकी जो इज्जत नफ्स है उसका एहसास करना, वो हम बिल्कुल भी नहीं करते। हम बिल्कुल उनके साथ तू तत्कार करके, मतलब इवन पनिशमेंट जो उनकी राय को अहमियत देना, या उनकी सबसे अहम तरीन है कि उनकी राय को अहमियत देना ताकि उनकी सेल्फ स्टीम बेहतर हो। ये तमाम वो चीजें हैं जो कि आपको 1400 साल पहले आपकी जो जितनी भी तालीमात है उसमें आपको बताई गई। दिन चूंकि बड़ा हमें आपका तालीम पे भी चूंकि काम है, मुख्तसरन बताइएगा हमने क्या वो असल एसेंस इस्लाम का, बेसिक रूह इस्लाम की अपने सिलेबसिस के अंदर बच्चों को पढ़ाई है या हमारे वालिदैन ने पढ़ी है और आगे डिलीवर की है, जिससे हम हकीकी रूह इस्लाम की समझें और फिर एक माशरे को तश्कील दें? क्या हम उससे आगाह हैं इस वक्त? मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा होता तो आपको सोसाइटी में उसका एक एक्सप्रेशन नजर आता, लेकिन अगर आपको सोसाइटी में एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा, झूठ भी है और करप्शन भी है और वो तमाम चीजें हैं, तो किसी जगह पे हमने कोई यकीनन कोई प्रॉब्लम किया, हम वो कन्वे प्रॉपर नहीं कर सके। और वो जो कन्वे करने वाला टीचर है बुनियादी तौर पर उसको भी तो किरदार का गाजी होना चाहिए। अगर वो किरदार का गाजी नहीं है और वो फकत सिर्फ जुमले बता रहे हैं और किरदार का गाजी है, तो फिर असर नहीं है। ये हमने बेसिकली तमाम देखने वालों को बताना जरूरी है कि दो पहलू रखे हमने गुफ्तगू के, एक तो इस्लामी नुक्ता निगाह से फराना साहिबा हमें बता रही थी और उसके साथ साथ वकार साहब से हमने कोशिश की कि जो हमारे एहदे हाजिर के मामलात हैं उसको सीरत कंपेयर किया जाए और किस तरह से बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया वकार साहब आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया और अभी हम शो के कराची से मौजूद थी हमारे साथ। अभी हम चुके शो की क्लोजिंग की जाने बढ़े, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी पीर के दिन और कल हमारा बेस्ट ऑफ होगा, संडे को भी बेस्ट ऑफ चलेगा। अभी चूंकि हमारे साथ हमदानी साहब मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि शो के आखिर में उनसे कोई कलाम, हमदानी साहब से हम कुछ सुने। सर अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु आमे ना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरो दीवान नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इला
इलाहा इल्लाहु बारा रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम बारा रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम माह नबुवत मेरे रिसालत साहिब खुल्क अजीम नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह जिब्रील आए झूला झूलाने लोरी दे दी शान जिब्रील आए झूला झूलाने लोरी दे दी शान सो जा रहमत आलम सो जा रहमत आलम मैं तेरे कुर्बान नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते फूल नूर का पैकर चांद सा मुखड़ा नूर का पैकर चांद सा मुखड़ा हक का प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह